सभी भक्तजनों को सब प्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूं। एक जिज्ञासा यह आई है कि भगवान श्री राम को 14 वर्ष का ही क्यों वनवास दिया गया था। हाँ, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि जब उनका उद्देश्य ही था राम को रास्ते से हटाना, तो आजीवन भी दिया जा सकता था कि कभी नहीं आए, या 60-70 वर्ष का दे देते ताकि उम्र ही समाप्त हो जाए। लेकिन 14 वर्ष का ही क्यों दिया गया, यह एक प्रश्न है और यह एक रहस्य भी है। इसका अर्थ यही है कि कैकई यह नहीं चाहती थी कि राम जो है सदा के लिए चले जाए, वह भी यह नहीं चाहती थी। और कैकई ने जो कुछ भी कहा, आखिर वह भी तो परमात्मा की इच्छा से ही कहा। मंथरा ने भी जो कहा, परमात्मा की इच्छा से ही कहा। तो परमात्मा की प्रेरणा तो वहां मौजूद है। सरस्वती जी तो बैठी ही भी थी। मंथरा के भी जिह्वा पर और कैकई के भी जिह्वा पर। तो 14 वर्ष का वनवास आखिर क्यों मांगा गया, तो इस विषय पर कई कई तरह के लोग, अपना विद्वान लोग जो हैं, स्कॉलर लोग हैं, वे मंतव्य रखते हैं। और चूंकि हमारे यहाँ की जो भी जो ग्रंथ हैं, तो ये सभी जो हैं, ये मूल रूप से ये आध्यात्मिक प्रेरणा देने के लिए ही ये ग्रंथ लिखे गए हैं। इसका ऐतिहासिक संबंध भी है, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य जो है वह मोक्ष ही होता है। तो चाहे कोई भी ग्रंथ हो, वह एक ब्रह्म विद्या का ही ग्रंथ है, जो सनातन धर्म का ग्रंथ है। इस दृष्टि को सबसे पहले रखना चाहिए। यदि हम इस दृष्टि से देखते हैं, तो हम यह पाते हैं कि तो हमें एक उत्तर मिलता है कि भाई राम को क्यों जो है उतना ही समय के लिए दिया गया। तो कहा जाता है कि ये वन जो होता है ना, वह एक तपस्या का बिंदु होता है, मंथन का बिंदु होता है। और जैसे कि हम लोगों को ज्ञात है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, तो समुद्र मंथन में तो बहुत ही असुर हैं, चाहे देवता हैं, उन सभी ने बहुत ही प्रयास किए, और उन सबके प्रयास से जो है 14 रत्न निकले। तो वे जो 14 रत्न निकले, वे 14 रत्न हमारे शास्त्रों में दिए गए हैं, जो वे भी एक तरह से कुछ संदेश देते हैं, वो भी एक तरह से प्रतीकात्मक ही है। जैसे कि शुरू में कालकुट विष निकला, कामधेनु गाय का आया, फिर उच्चे श्रवा जो है घोड़ा था, फिर एरावत हाथी था, फिर कौस्तुभ मने, फिर जो कल्प वृक्ष, फिर रंभा आई अप्सरा, फिर लक्ष्मी जी आई, फिर मदिरा आया, वारुणी जिसको कहते हैं, फिर जो है चंद्रमा, और फिर पारिजात वृक्ष जो है वह आया, और फिर पांचजन्य शंख आया, फिर धन्वंतरी आए, और फिर जो है
अमृत लास्ट में निकला। ये सारे जो है ये 14 जो तत्व आए, तो ये जो है हम लोग के जो अध्यात्म में जो 14 चक्र बताए गए हैं, वैसे तो मुख्य रूप से 7 चक्र बताए गए हैं, लेकिन 14 चक्र जो है वह 7 चक्र तो अमूमन मोटे तौर पर बताया गया है और यह सामान्य लोगों के लिए बताया गया है, लेकिन और जो 7 चक्र और गोपनीय चक्र हैं तो वो भी मिला के 14 चक्र हो जाते हैं। तो यहाँ पर उन चक्रों का भी एक बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि एक एक चक्र से जो है ना एक एक जो है रत्न निकलेगा। तो जैसे कि मूलाधार चक्र है पहला, फिर स्वाधिष्ठान है, फिर मणिपूरक है, फिर अनाहत है, फिर विशुद्धि है, फिर आज्ञा चक्र है, सहस्रार, फिर त्रिपुटी है, महाशून्य है, भंवर गुफा है, सतखंड है, फिर अलख अगम चक्र है, अनामी है, गुप्त चक्र है। वैसे और भी चक्र हैं लेकिन वे सब सब अंतर्गत आ जाते हैं, जैसे कि बहुत सारे जो चक्र हैं, जैसे कि गुरु चक्र है, ललना चक्र है, ललाट चक्र है, मानस चक्र है, सब शस्त्रार्थ के अंतर्गत आते हैं। और वैसे वैसे और भी कम सुने हुए और भी बहुत सारे चक्र हैं, कुल 84 चक्र हैं। लेकिन जो मुख्य चक्र हैं ये यही 14 चक्र माने जाते हैं। जैसे कि रत्न भी 14 निकले तो यही 14 रत्न हैं, और भी रत्न निकले होंगे लेकिन जो मुख्य चक्र रत्न है उन्हीं का ये यहाँ पर नाम दिया गया है। तो यह जब साधना तपस्या व्यक्ति करता है एक साल में एक, क्योंकि राम जो है सूर्यवंशी थे और सूर्य जो है वहां पर मुख्य उनके देवता हैं, और वे जो हैं वर्ष में एक बार चक्कर लगा लेंगे तो वो 100 वर्ष होता है। तो 100 वर्ष में यह माना जाता है कि व्यक्ति जो है एक चक्र को साध ही लेता है, एक वर्ष में एक चक्र साध लेगा, इसका मतलब एक रत्न उसे प्राप्त हो ही जाएगा। तो 14 रत्न इस तरह से प्राप्त हो जाएगा 14 वर्षों में, और अंतिम वर्ष जो है वहां पर रत्न की प्राप्ति होगी, यानी अंतिम जो है फाइनल विक्ट्री जब होगी उसकी तो अमृत तत्व की उत्पत्ति होगी। और यहाँ जो है सिर्फ राम ही तपस्या नहीं कर रहे थे, लक्ष्मण भी तपस्या कर रहे थे, भरत भी तपस्या कर रहे थे। तो भरत तो कहे थे कि भाई अगर आप नहीं आएंगे तो जो है मैं अपना शरीर त्याग दूंगा। यानी राम का अवतरण होता है, यानी परमात्मा का अवतरण होता है 14वें वर्ष में, 14वें वर्ष में परमात्मा का अवतरण होता है, और सात्विक घनघोर साधना से यह संभव है। और इन तमाम तरह की साधनाओं में अब भाई परमात्मा का अवतरण होगा तो अमृत रस निकलेगा, तो वह अमृत रस जो है ये वह अमृत रस सिर्फ एक व्यक्ति को तृप्त करे, एक व्यक्ति को शाश्वत जीवन दे, तो फिर वो अमृत भी क्या अमृत है। अमृत तो वह अमृत है ना जो कि समाज को भी वो रस दे। तो यहाँ पर जो कहानी है राम कथा जो है वह पूरे समाज को युगों युगों तक अमृत रस प्रदान कर रहे, जो राम रस में रम गया है उसे अमृत तत्व मिल रहा है। तो यह युगों युगों से प्रवाहित है, राम रस धारा, राम अमृत धारा युगों युगों से प्रवाहित है और पूरे समाज को दिया जा रहा है। तो इसमें ये उस 14 वर्ष के तप का ही है परिणाम है, उन 14 रत्नों का परिणाम है, उन 14 चक्रों का परिणाम है कि आज जो है हमें वह राम रस उपलब्ध है। तो यह भरत मुनि की तपस्या है, यह वाल्मीकि ऋषि की तपस्या है, उनके साहित्य उनके काव्य की जो धारा बही, तो करोड़ों करोड़ों लोग प्रभावित होते रहे। तो यही इसका तात्पर्य है।